हे ब्रोडी, कैसे हैं आप सभी। अभी कल की डेट में टेक्नो गुरुजी ने एक ओप्पो एक्सपोर्ट करके वीडियो बनाई, वो आपके सामने यहाँ पे थंबनेल है। और थोड़ी वीडियो की मैं क्लिप भी आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि ओप्पो F21S जो ये स्मार्टफोन है, इसके बारे में उन्होंने ओप्पो को एक्सपोर्ट किया है। और उन्होंने स्मार्टफोन खोल के भी दिखा दिया है क्यों ओप्पो को एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट जो है करना चाहिए। ओप्पो ने काम ही ऐसा किया है। और मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने भी आज से करीब 4 दिन पहले उसी स्मार्टफोन के लिए वो वीडियो बनाई थी, उसका भी थंबनेल और स्क्रीनशॉट आपके सामने है। यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी ने भी अभी कल की डेट में बनाया है, मैंने आज से 4 दिन करीब पहले ये वीडियो बनाया था। दोनों का काम ही एक ही था, दोनों ओप्पो के उसी स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे थे और ओप्पो को ये बता रहे थे ताकि ऐसे स्मार्टफोन ना लॉन्च किए जाए जो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है वो आज से 12 से 11 हज़ार के स्मार्टफोन में मिल रही है, बट ओप्पो उसकी प्राइस जो 23 से 24 हज़ार रुपये करके बेच रहा है। तो ऐसे में जो ओप्पो के ऊपर सारा प्रेशर अभी आएगा और आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो जो है चूतिया बनाने का काम कर रहा है। टेक्निकल गुरु जी, आपको क्लिप दिखा देता हूँ थोड़ी सी। आज मैंने अपनी मेहनत की कमाई के 22,999 रुपए बिल्कुल वेस्ट कर दिए इस Oppo F21S Pro स्मार्टफोन पे, सिर्फ इसलिए कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, Oppo आपको पागल ना बना पाए। मतलब जो ये जनता तक पता नहीं क्या चीजें फैलाई जा रही है ना, जैसे ऐसे प्रो प्रो के नाम के साथ में भैया कुछ भी फोन चल रहा है मार्केट में, ऑनलाइन बोलते हैं, ऑफलाइन बोलते हैं, ऐसा फोन है, ऐसा फोन, सारी बातों को ना आज आपके साथ में एकदम क्लियर तरीके से बताने वाला हूं कि क्या किस तरीके से कैसे पागल बनाते हुए कंपनीज ओप्पो को तो अवार्ड मिलना चाहिए। कोई जो काम करके बैठी है आज तक पता नहीं कितनी बार पास में कर भी चुके हैं, स्टिल समझ नहीं आ रहा है तो लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग नाम निकाल लेंगे। 64+2+2 का कैमरा, 32 MP का सेल्फी कैमरा, मजे की बात, मजे की बात। कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्नैपड्रैगन 680 कर भी सकता तो कहां से होगी। मतलब यहां पे इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के साथ में ये 4G फोन लॉन्च कर रहे हैं आज 5G के जमाने में। हाँ, क्यों? क्योंकि फोन में ये स्टारलाइट ब्लैक डिजाइन लगा दिया है, भैया क्या दिवाली में चमकेगा ये फोन, ये थॉट लेके आगे मार्केट में फोन भेजा। मतलब पता नहीं क्या सेंस, क्या लॉजिक है यार। ऑफलाइन के चक्कर में बोलते हैं भैया ये तो ऑफलाइन का फोन है, ऐसा फोन है भाई, ये फोन होता है क्या ऑफलाइन में? मतलब इतना महंगा 23,000 रुपए के अंदर ये फोन क्या पैक करके दे रहा है? कुछ भी नहीं, लिटरली जीरो। और वही मैं अब अपने चैनल की क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें मैंने उसी स्मार्टफोन के बारे में बात किया है। और हालांकि यहाँ पे मैं ही नहीं, यहाँ पे कई जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे टेक्नोल गुरुजी ने अभी बात किया, ऐसे कई बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करना चाहिए जो कि सिर्फ पब्लिक को चूतिया बना के बेचे जा रहे हैं। अब मात्र यहाँ पे सिर्फ एक दो स्पेसिफिकेशन, जैसे हाईलाइट कर दिया गया 64 MP का कैमरा, तो उसकी जो प्राइस है, और जैसे 8/128 GB रैम का सपोर्ट, उसका जो प्राइस यहाँ पे 24,000 कर देते हैं लोग। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 64 MP, लेकिन बाकी का तो 2-2 MP ही दिया गया है ना। इसके सारे वो अपना इतना महंगा स्मार्टफोन नहीं बेच सकते हैं और उन्हें बेचना भी नहीं चाहिए। और ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनके लिए ऐसी वीडियो बननी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि यहाँ पे जो चूतिया बनाया जा रहा है ये सब चूतिया ना बनाया जाए। और आप में से कई लोग होंगे जो ऑडियंस रहती है, वो ऐसे थोड़ा एक दो चीज़ हाईलाइट पॉइंट देख के नहीं क्या वो स्मार्टफोन उन्हें पसंद आ जाता है तो वो लोग उसे खरीद लेते हैं। लेकिन बात यह, अगर आप किसी भी टेक चैनल को फॉलो करते हैं जिसमें स्मार्टफोन रिव्यू होते हैं या फिर कई स्मार्टफोन की वीडियो आते रहती हैं, अगर आप स्मार्टफोन की वीडियो को देखते हैं तो इतना श्योर है कि आप कभी उसमें चूतिया नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टेक वीडियो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर स्मार्टफोन खरीदते हैं तब ऐसी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो पैसे वो बर्बाद चले जाएंगे। जैसे कि इस स्मार्टफोन में जिन लोगों ने खरीदा होगा उनके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट, सब के सब वेस्ट चले जाएंगे पैसे, क्योंकि इसमें ये तो 10 से 11 हज़ार के लायक स्मार्टफोन है और इसे बेचा जा रहा है 23 से 24 हज़ार में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अवेयर रहें ऐसे स्मार्टफोन से। ऐसे कई सारे स्मार्टफोन, अभी तो सिर्फ एक ही स्मार्टफोन की लिस्ट निकाल के टेक्निकल गुरुजी ने भी और मैंने उनसे 4 दिन पहले अपलोड किया था ये वीडियो, आप देख सकते हैं। भले व्यूज कम आए लेकिन काम एक ही है, काम दोनों का सेम है, भले व्यूज कम आए, आज कम आ रहे हैं, आगे जाके ज़्यादा आएंगे। लेकिन आपका ये वो होता है कि आप ऐसे वीडियो देखें और अवेयर रहें ताकि आपको ऐसे कोई चूतिया ना बना पाए। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अभी टेक्निकल गुरुजी ने वीडियो बनाए, अभी ट्रैकिंग टेक बनाना, ऐसे बड़े बड़े चैनल्स है उन्होंने ट्वीट या फिर ऐसे ही वीडियो बनानी चाहिए ताकि ये लोग आगे चल के ऐसा काम ना करें और भोली वाली जनता को ऐसा फालतू में यूज ना कर पाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।